अभी आप ध्यान से देखेंगे, मैं अपनी मन की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, पावर का। इस पर ध्यान दीजिए। और ये कट गया है आपका कार्ड। हाँ, खड़े हो जाएंगे और पूरा फुल फ्रेम रखेंगे। अब इस कार्ड को पकड़ेंगे और यही कार्ड था, बाहर आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, मेरे हाथ से लेकर पूरा डेक तक। जो आप मन में सोचते हैं वही अगर सामने दिखाया जाता है तो उस पर आप विश्वास कर लेते हैं। अगर जय श्री राम बोलकर उस कला को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो अंधविश्वास की तरह उस पर और भी ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा होता है। ये एक ट्रिक होता है, इसका हम जीता जागता सबूत यहाँ पर एक ट्रिक दिखाने वाले मैजिशियन बैठे हुए हैं, जिसको जादू भी बोला जाता है। एक ट्रिक होता है और ये ट्रिक कैसे किया जाता है ये साबित करके आज दिखाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी स्टेज पर बैठ जाते हैं, जय श्री राम का नाम लेकर इसी ट्रिक को सावधानी पूर्वक आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और उसको आप भगवान बना बैठते हैं। क्या जी, वही ना सब ट्रिक होता है। बिल्कुल। नमस्कार, पहले तो सभी दोस्तों को, जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम यहीं से। और ये बिलीफ सिस्टम है ना, अच्छा भी है बड़ा खतरनाक भी है। आपका जिसके प्रति आस्था हो गया ना, मतलब वो आपके नुकसान भी होकर सकता, नुकसान भी करता है। दूसरी चीज़ है, जब व्यक्ति पीड़ित होता है ना, दुख में होता है, तो उसको कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो चमत्कार दिखाता है। और यहाँ भारत में चमत्कार को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। यहाँ आप पीड़ित हैं, किसी ने चमत्कार दिखाया, कुछ ऐसे किया, आपको लगा कि उसने बोल दिया मैं भगवान का दूत हूँ, बचे ऐसे फर्जी लोगों से। ठीक है, जितने लोग मार्केट में, हजारों लोग हैं, अलग अलग टाइप से ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। एक कला होता है जो सिखाया जाता है, सारे लोग कला ही है, सारे लोगों का प्रेजेंटेशन है। ठीक ना, पर्ची बनाने से आपके जीवन में जो दुख है, समस्याएं हैं, उसका समाधान नहीं हो सकता। आपके जीवन में कोई घटनाएं हुई है, आप किसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर्ची बना दिया। लोग कहते हैं कि अरे बाबा ने मेरा मन का बात कैसे जाना। अभी रिसेंटली कल एक व्यक्ति फ़ोन किया, बाबा ने बता दिया मेरा नाम। हमने बोला उनकी बेटी गुम हो गई, तो मैंने बोला बाबा ने नाम बता दिया कि आपकी बेटी गुम हुई वापस आई तो नहीं, तो हम कहें फिर क्या फ़ायदा, बाबा नाम बताया या पर्ची पर लिखे फिर क्या फ़ायदा। चलिए इसी टाइप का मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पेंसिल है और एक कार्ड है, मैं चाहूँगा चेक करिए। जादूगर के पास कुछ नहीं है, बस यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैंक है, ब्लैंक है, दोनों तरफ ब्लैंक है। यहाँ पर पेंसिल है। मैं छोटी सी चीज़ों से शुरुआत करूँगा फिर बड़े लेवल पर जाऊँगा। एक कोई भी एक नंबर सोचिए मन में, लोगों को लगता है जिससे शब्दों का हेर फेर है। बाबा क्या करते हैं, कहते हैं कि हमने लिख दिया, चलो बताओ क्या समस्या है। और हम लोग मेंटलिस्ट लोग, जादूगर क्या करते हैं, शब्दों का हेर फेर है, प्रेजेंटेशन का हेर फेर है। हम लोग कहते हैं मन में सोचिए, सोच लिया कोई नंबर, एक से सौ के बीच में, एक से सौ के बीच में, पेंसिल पकड़िए। और हमने इस कार्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा फॉर द पहली बार, फर्स्ट टाइम। हमारे जितने भी दर्शक हैं सब, आप उनको बताइए कि कौन सा नंबर आप माइंड में सोच रहे थे। हम 9 सोचे थे, सिंपल 9। और हमने इस पे ऑलरेडी लिख के रखा था। यही सब ट्रिक दिखाकर लोग महान बन जाते हैं, भगवान बन जाता है। 9 मन में सोचा था, ऑन कैमरा, आप लोग के सामने लाइव चल रहा है, ऑन कैमरा, इसमें कट फट कुछ भी नहीं है। 9 में सोचा था, 9 लिख दिया। जो कहते हैं भाई पत्रकार जो आए हैं उनको आपने सिखा दिया होगा कि 9 बोलना ही है, हमने आपको कुछ सिखाया है, बताया कि आप यही नंबर बोलेंगे। अंधभक्त उन्हीं लोगों को बोला जाता है, बार बार बोला जाता है कि ये ट्रिक है, एक कला है, ये लोग मैजिशियन लोग इसको सीखते हैं सामने दिखाने के लिए। कोई जय श्री राम बोलकर इसको दिखाता है तो वो भगवान बन जाता है, कोई स्टेज शो करके दिखाता है तो वो जादूगर कहलाता है। कीजिएगा, इनसे पहले जितने भी पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं, हमने साफ बोला कि मेरे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं, मैं जादूगर आर्टिस्ट हूँ, ट्रिक कर रहा हूँ। उसके बावजूद मेरे पास सैकड़ों फोन डेली आते हैं कि बाबा हमारा समस्या का समाधान कीजिए। अब क्या बताएं, कैसे समझाएं लोगों को, बताइए, आप ही बताइए कैसे समझाया जाए। जब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें कर रहे हो ये आर्ट है, प्रेजेंटेशन है। मैं किसी के जीवन में, आपके जीवन में दुख है, मैं सॉल्व नहीं कर सकता। आपके जीवन में समस्या है, आप खुद ही सॉल्व कीजिए। मैं क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति सॉल्व नहीं कर सकता। आपसे पैसे ठग लेगा किसी कर्मकांड के नाम पर, इधर उधर घुमा करके। हम लोग आर्टिस्ट हैं, जेन्युइन हैं, पैसे नहीं ठगते हैं। आप मनोरंजन की दृष्टि से हमें बुलाइए, एंटरटेनमेंट करेंगे आपके घर में आके। चलिए, मैं भी इनका कला देखा, आप लोगों को भी दिखाएंगे तो आप लोग भी कहेंगे ये तो भगवान है। क्या ऐसा ऐसा अजूबा जादू ये दिखाएंगे, जादू नहीं, ट्रिक बोला जाता है जिसे जादू आप लोग का, वही है ट्रिक है। अंग्रेजी में ट्रिक हो गया, हिंदी में जादू हो गया, मैजिक हो गया, नज़र बंद वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास एक पेन है और एक पैड है, मैं चाहूँगा कि आप किसी व्यक्ति का नाम बड़े अक्षरों में लिखेंगे ताकि मेक श्योर कि हमने, आपने मुझे पहले बताया नहीं। नॉर्मली क्या होता है ना, कि नॉर्मली होता है कि आपको मैं बोलता हूँ कि बोलने के लिए, सोचने के लिए, इस बार ना आपको बोलना है ना सोचना है। आप कुछ नाम लिखिए, मैं भी कुछ नाम लिख रहा हूँ रैंडम।
हम लोग एक दूसरे को देखने नहीं जाएंगे, ठीक है? नजरें मेरे ऊपर रखिएगा, मैं बिल्कुल नहीं देखने जा रहा। और मेरा अपना वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? मेरा अपना वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, आप छिपा लीजिए। और मेरे अपने जो सेंसेस है वो मुझे कुछ बता रहे हैं और मैं लिखने जा रहा हूँ। मैं मन की बात पढ़ता हूँ, मेरे इनके दिमाग में क्या विचार थे, मैं इनसे पूछूंगा नहीं। नॉर्मली होता है ना कि हमने लिख दिया है पर्ची पे, आप बताइए, आप मत बताइए, हमने लिखा है, आपने भी कुछ लिखा है, एक साथ दिखाइए। मनीष कौन है? मनीष कौन है? मनीष कौन है? मनीष दोस्त है, दोस्त है। पत्रकार भाई हमारे से बिल्कुल नहीं मिले हुए हैं, जैसा कि लोग कमेंट में करते हैं एकदम सामने अपने मनीष लिखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप भी आएंगे ये चीजें फील कर पाएंगे लाइव, जो कैमरे में देख रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा भी इसमें कटफट नहीं, मैं जो सोचा वो अपने पन्ने पर लिख दिए। बिल्कुल, अभी भगवान हुए आपके लिए, अंधभक्त है अगर आप, जोगियों पर विश्वास करते हैं तो इनको आप भगवान ही मानेंगे। जैसे अभी लोग बड़गलाते हैं, यही सब चीजें दिखाया, कहते हैं मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, दुर्गा जी की कृपा है, फलाना है, मैंने सिद्धियां की हैं। असल में सिद्धि विधि करने से ये सारी चीजें नहीं होती है। आप जब ध्यान मार्ग पे चलेंगे, भक्ति मार्ग पे, भजन मार्ग पे चलेंगे तो आपके भीतर चेंजेस आएगा, अहंकार जाएगा, विकार जाएंगे। ये नहीं हुआ कि आप किसी का मन का बात पढ़ लीजिए, ये सब फालतू की चीजें। यदि कोई आपको बताता है, खुद से धर्म पढ़िए, अध्यात्म पढ़िए, तभी समझेंगे, तभी अंधभक्ति जाएगी। मैक्सिमम में बता रहा हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि लोग पढ़ते ही नहीं, अपने धर्म को पढ़ते ही नहीं। दूसरा बात, लोगों का कहना है, कई दफ़ा कमेंट आता है ना कि आप बाबाओं को बताते हैं जो पर्चा लिख रहे हैं, हिंदुओं में क्यों, मुसलमानों में क्यों नहीं? मुसलमान में लोग पर्चा नहीं बना रहे हैं, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जेन्युइन चीज़ देना, मैंने नहीं देखा किसी को पर्चा बनाते हुए। वो अगर पर्चा बनाएंगे मैं इनको भी एक्सपोज करूँगा। पर्चा हमारे धर्म में ज़्यादा लोग ड्रामा कर रहे हैं। चलिए, ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं के चक्कर में मत पड़िए, भगवान से अगर कनेक्ट होना है सीधा आप जाकर कनेक्ट होइए। बिल्कुल, अभी देखिए सूर्य धूप किया हुआ है, आप सूर्य की उपासना कीजिए। मैं भी पूजा करता, अभी मैं नहा के आया हूँ, पूजा करके आया हूँ, भगवान हनुमान जी की पूजा करके आया हूँ, हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, ये सारी चीज़ें कीजिए। कोई बीच में ठेकेदार बन बैठा है कि आइए भाई हम कनेक्शन धरवाएंगे, वाईफाई धरवाएंगे, तो सब भगवान के पास फोन करते हैं, बात करते हैं आपके बारे में, आइए सब जितना कष्ट होगा सबका निवारण निकाल देंगे। हाँ, इसी पर लोग विश्वास कर लेते हैं। छोटा बड़ा ट्रिक दिखाकर, और ट्रिक दिखाइए, और दिखा रहे हैं, एक और चीज बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं फलाने बाबा के पास गए तो मेरा ठीक हो गया। अब देखिए काम कैसे करता है, कर्म का सिद्धांत समझिए। फॉर एग्जांपल, आपके किसी कर्म का परिणाम आपको भोगना है 6 महीने के लिए, 5 महीने आपने भोग लिया, 6ठे महीने किसी ऐसे बाबा के पास गए, आप परेशान हो गए 5 महीने से, यार हम भोग रहे हैं ये, 6ठे महीने आप गए, आपका कर्म का जो भोगने का था वो टाइम पूरा हो गया, अवधि पूरी हो गई, ठीक है? 6ठे महीने वैसे भी खुद ही ठीक हो जाना है। आप गए किसी बाबा के पास, उसने फूफा किया, जो भी किया, खत्म हो गया आपका। अब आपका बिलीफ सिस्टम काम करेगा कि इस बाबा के पास जाने से ठीक हुआ, हालांकि बाबा के पास जाने से नहीं ठीक हुआ। यदि आपके अपने कर्मों के हिसाब से 6 महीने भोगना था तो आपने 6 महीने भोगा है।